दोस्तों, हर 10 में से 6 लोग कमर और पीठ के दर्द से जूझ रहे हैं, घुटनों के दर्द से जूझ रहे हैं। कई बार ये दर्द ठंड, सर्दी जुकाम की वजह से भी हो सकता है। उम्र बढ़ने की वजह से डिस्क में लुब्रिकेंट की कमी हो जाती है, इस वजह से भी कमर और पीठ का लचीलापन खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में डिस्क की नसों पर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, इससे पैरों में दर्द, अकड़न की समस्या शुरू हो जाती है। वहीं कमर और पीठ के दर्द का मुख्य वजह शरीर में कैल्शियम की कमी भी हो सकती है। इसके और भी कई वजह हैं, जैसे कि लगातार झुककर बैठे रहना, रोजाना देर तक गाड़ी चलाना, दफ्तर में झुककर काम करना और काफी देर तक कंप्यूटर पर काम करना। ऐसी स्थिति में रीढ़ की हड्डी पर अधिक दबाव पड़ता है, जो कि दर्द के रूप में सामने आता है। इसके अलावा गलत तरीके से उठना बैठना, चलना फिरना, टीबी की बीमारी, ऑस्टियोपोरोसिस और डेली रूटीन में एक्सरसाइज ना करना भी इसकी वजह है। तो चलिए जानते हैं कि इससे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। आपको इस वीडियो में बहुत ही इफेक्टिव नुस्खा बताने वाला हूं, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एक ही स्थिति में यानी एक ही पोस्चर में अधिक देर तक ना बैठें। बहुत अधिक देर तक बैठना जरूरी हो तो थोड़ी थोड़ी देर में उठें। इस तरह बैठें कि रीढ़ की हड्डी को सहारा मिले और झटके से ना तो बैठें और ना ही उठें। जब भी झुकें तो रीढ़ की जगह घुटनों को मोड़ें। हमेशा सीधे खड़े हों और कैल्शियम से भरपूर डाइट लें और रोजाना कम से कम आधा घंटा अपने लिए जरूर निकालें। सबसे पहले भरपूर कैल्शियम वाले आहार लीजिए। आप रोजाना के डाइट में कैल्शियम वाले फूड को शामिल कीजिए। आप रोज एक गिलास दूध पीजिए। आप रात को हल्दी वाला दूध पी सकते हो या फिर हल्के गर्म दूध में 10 ग्राम गुड़ डालकर सोने से पहले पी लीजिए। गुड़ भी आपको डार्क कलर वाला इस्तेमाल करना है, ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। दूध ना पसंद हो तो एक कटोरी दही दोपहर के खाने में शामिल कीजिए। खाना खाने के बाद आप एक कटोरी दही खा लीजिए। दही में अगर आप गुड़ मिलाकर खाओगे या फिर मिश्री मिलाकर खाओगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। नॉन वेजिटेरियन हो तो सुबह अंडे खाइए। अंडे में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम पाया जाता है और साथ ही साथ इसमें बहुत से विटामिन पाए जाते हैं जो पूरे बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। साथ ही आपको एक होम रेमेडी बता रहा हूँ, एक रेसिपी बता रहा हूँ जिसका सेवन आपको हमेशा करना है, यानी जब तक आप चाहें तब तक कर सकते हो और पूरे परिवार को सेवन कराना है। इसके लिए क्या करना है कि जब भी रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हो तो उसमें अलसी पाउडर, रागी पाउडर, थोड़ा अजवाइन और कलौंजी आटे में डालकर रोटी बनाकर खाइए और पूरे परिवार को खिलाइए। तो कितनी मात्रा में आपको रागी, अलसी और अजवाइन कलौंजी को मिलाना है जरा देख लीजिए। आप लगभग 400 ग्राम आटे को गूंथते हो तो उसमें 40 ग्राम अलसी पाउडर यानी कि 10% की मात्रा में अलसी पाउडर मिलाना है और 100 ग्राम रागी पाउडर मिलाना है और इसके साथ ही आपको मिलाना है कलौंजी और अजवाइन। कलौंजी और अजवाइन को बराबर मात्रा में मिक्सचर बना लीजिए। जी हाँ, जैसे कि 50 ग्राम कलौंजी और 50 ग्राम अजवाइन को मिलाकर एक डब्बे में रख लीजिए और इस मिश्रण का आधा चम्मच 400 ग्राम आटे में मिला दीजिए। इसे मिक्स कर इसकी रोटियां बनाकर गर्मा गर्म नाश्ते में या फिर दोपहर के खाने में शामिल कीजिए। ये दोस्तों मल्टी मिनरल, मल्टी विटामिन, फाइबर, कैल्शियम, ओमेगा 3 और प्रोटीन से भरपूर रोटी आपके पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है। पेट की सारी बीमारियां, अपच, डाइजेशन की प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द, गठिया, अर्थराइटिस की समस्या, असमय बुढ़ापा, बाल सफेद होने की परेशानी, बाल झड़ने की परेशानी, थकान, कमजोरी दूर कर दिमाग हमेशा एक्टिव रहेगा। इसे डायबिटिक और बीपी वाले भी ले सकते हैं। ये शुगर लेवल को भी कंट्रोल रखेगा और बीपी को भी कंट्रोल रखने में हेल्प करेगा। ये शरीर में एक्स्ट्रा फैट नहीं बढ़ने देता। मोटापे से परेशान लोग भी इस रोटी का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर में दर्द बहुत पुराना हो, हमेशा कमर बदन में दर्द रहता हो या फिर ठंड की वजह से कमर बदन में दर्द हो तो उनके लिए रात को एक बहुत ही इफेक्टिव नुस्खा बताता हूँ। इसके लिए आपको करना क्या है कि जब भी आप सोएं तो खाट का उपयोग करें, मतलब कि जब भी आप सोएं तो मोटे गद्दे या फिर जमीन के ऊपर ना सोएं। सोने के लिए खाट का उपयोग करें। खाट या खटिए के नीचे बोरसी रखिए। गांव में आपने देखा होगा कि खटिए के नीचे बोरसी लगाते हैं जिससे शरीर को गर्माहट मिलती है। ठंड में अक्सर लोग ऐसा करते हैं और गांव में लगभग इसका उपयोग किया ही जाता है। आपको इस तरह बोरसी लगाना है और उसमें 10 ग्राम की मात्रा में अजवाइन डालना है। आप थोड़ा थोड़ा कर अजवाइन को डाल सकते हैं और अजवाइन का जो धुआं है उसे कमर और पीठ पे लेना है। दोस्तों, ये अजवाइन का धुआं इतना इफेक्टिव है कि कितना भी पुराना कमर पीठ में दर्द हो, किसी भी तरह का दर्द हो, तुरंत दर्द से राहत देता है। और ये तरीका दोस्तों काफी जमाने से, काफी पहले से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं।
इसके अलावा आप शहर में रहते हो, खटिया नहीं हो, तो एक चम्मच अजवाइन लीजिए, उसे तवे पे हल्का गर्म कर लीजिए। बस आपको अजवाइन को गर्म करना है, वो भी एक मिनट से ज्यादा नहीं करना है। आपको मीडियम फ्लेम रखना है और एक मिनट तक गर्म कर लेना है। और गर्म कर सूती कपड़ा यानी कि कॉटन के कपड़े से एक पोटली बना लीजिए। पोटली बनाकर जब त्वचा में सहन करने के लायक गर्म हो तो उस पोटली से जोड़ों में, कमर में, जिधर भी हड्डियों में दर्द हो उस जगह की सिकाई कीजिए। जब पोटली ठंडा हो जाए तो तवे को थोड़ा गर्म कर लीजिए और पोटली को उस तवे पर रख कर वापस पोटली को गर्म कर सिकाई कीजिए। दर्द में तुरंत फायदा मिलेगा। ऐसा आप रोजाना कीजिए। ठंड में दर्द से छुटकारा पाने का इससे ज्यादा इफेक्टिव नुस्खा कोई हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सके। और जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।